तो ये स्टार्टिंग का प्रॉब्लम दे रही है बजाज की टू स्ट्रोक गाड़ी है, तो क्या प्रॉब्लम है। तो हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब पे आपका स्वागत है, मैं हूँ अनिल बागुल। तो दोस्तों, आज का जो टू स्ट्रोक गाड़ी है बजाज कंपनी की, जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम दे रहा, तो फिलहाल दोस्तों आप समझ सकते हैं गर्मियों का सीज़न है, जो गर्मी के कारण जो गाड़ी का जो प्रॉब्लम देती है, फोर स्ट्रोक हो या टू स्ट्रोक, हर गाड़ी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता है। क्योंकि गर्मी के दिनों में जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम देता है, फिलहाल ये गाड़ी जो है पेट्रोल गाड़ी है, तो पेट्रोल गाड़ी में जो भी प्रॉब्लम आती है स्टार्टिंग के बारे में, जो इसका वीडियो है, तो जैसे भी पेट्रोल की गाड़ी ज़्यादा दिक्कत देती नहीं दोस्तों, ये ध्यान में रखना है। क्योंकि टू स्ट्रोक गाड़ी मेरी भी है, फोर स्ट्रोक गाड़ी, पर जो पेट्रोल की है तो उसकी वजह से मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है स्टार्टिंग की, पर कभी कभार जो आता है वो प्रॉब्लम, उसके बारे में आज का वीडियो। तो फिलहाल बहुत से वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल चुका हूँ, इसमें से ये आज का टू स्ट्रोक गाड़ी का जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है फिलहाल वो देखते हैं। तो फिलहाल ये गाड़ी सेल्फ स्टार्ट तो नहीं है, ये बंदा किक से गाड़ी चालू करता है, तो उसके बारे में जो उसको अब जो प्रॉब्लम है वो देखते हैं। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, मेरा नाम है अनिल बागल और ऑटो रिक्शा ज्ञान में आपका स्वागत है। तो फिलहाल सबसे पहले क्या करना है तो ये देख लेना, जो फिलहाल उसका कार्बोरेटर है वो खोल लेना है, क्योंकि पेट्रोल सप्लाई ना होने के कारण भी गाड़ी स्टार्टिंग का जो प्रॉब्लम देता है, जो पेट्रोल सप्लाई जो जेट के थ्रू अंदर जाता है। तो फिलहाल कार्बोरेटर पूरी तरह खुल दिया है, और खोलने के बाद उसको पेट्रोल से धो के और साफ़ कपड़े से पोंछ के साफ़ करके अच्छी जगह रखने के बाद उसको फिटिंग भी करना है। क्योंकि दोस्तों ये चीज़ें एक एक करके देखना पड़ता है, क्योंकि स्टार्टिंग के लिए यही कारण नहीं होता है, और भी कुछ कारण होते हैं जो दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप ज़रूर देखना है। तो फिलहाल अभी पेट्रोल का जो गाड़ी का जो दिल है, मेरा कहने का मतलब जो कार्बोरेटर है, वो अच्छी तरह से टू स्ट्रोक हो या फोर स्ट्रोक कोई भी गाड़ी को, तब फिलहाल अभी BS6 का छोड़ के, क्योंकि ये अभी फ़िलहाल कार्बोरेटर का जो मसला है वो भी दिक्कत है, वो खोल के एक बार चेक कर लेना है, साफ़ कर लेना है, एक एक करके अच्छे से साफ़ करने के बाद आपको उसको फिट भी करना है। आप ये वीडियो देख सकते हैं किस तरह खोल, वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैंने फटाफट वीडियो जो एडिट करने के बाद आपके लिए मैं तैयार करता हूँ। ऑटो रिक्शा ज्ञान में आपको हर एक ऐसे अलग अलग वीडियो मिलते हैं, जो आपको स्टार्टिंग से लेके गाड़ी का जो मशीन है, क्लच पेट है, या फिर और भी कुछ दिक्कत है दोस्तों, ये फ्लूड पिन है उसको अच्छे से फिट करना है, क्योंकि पेट्रोल और फ्लो होता है तो इसी के कारण होता है ये ख़राब हो जाने के बाद, ये जो पेट्रोल और हवा का जो लेवल है इसके लिए वो रहता है। तो दोस्तों फ़िलहाल आप समझ सकते हैं इसको, जो क्वार्टर पिन है जो उसकी, वो अच्छे से हल्के हाथ से उसको दबाना है, क्योंकि वो ख़राब ना हो, अटक ना जाए और कार्बोरेटर ख़राब ना हो जाए। तो दोस्तों फोर स्ट्रोक गाड़ी हो या टू स्ट्रोक, टू स्ट्रोक गाड़ी में जो ऑयल लेवल होता है, टूटी ऑयल होता है, उसको कंटेनर में, जो ऑयल का कंटेनर उसमें लगातार देखता रहना चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और ऑयल अच्छे से मिक्स होने के कारण जो आपका पिस्टन है और ब्लॉक के अंदर टू स्ट्रोक गाड़ी में अच्छे से चलती है, तो वो ख़राब होने के बाद या बंद होने के बाद या फिर ऑयल ना होने के बाद गाड़ी स्विच मारती है गर्मी के दिनों में, और गाड़ी का पिस्टन के रिंग ब्लॉक ख़राब हो जाते हैं, और आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों फिलहाल मेरी बात आपको समझ में आ रही है, टू स्ट्रोक गाड़ी में जो प्रॉब्लम आते हैं, जो CNG हो, LPG हो या पेट्रोल गाड़ी, उसमें टूटी ऑयल में डालना ही पड़ता है। तो दोस्तों फिलहाल आप कार्बोरेटर के बारे में बात कर रहे थे, कार्बोरेटर फिटिंग हो चुका है, और भी दूसरा प्रॉब्लम रहता है टू स्ट्रोक गाड़ी चालू करने के बाद फोर स्ट्रोक को, तो टू स्ट्रोक गाड़ी में अभी फिलहाल अभी प्लग भी खोल के देख चुके हैं, कल प्लग तो अच्छा है, और उसका जो प्लग का जो अंदर का जो फिटिंग करने के बाद समझ जाएंगे क्या प्लग चालू है कि नहीं। फिलहाल एक एक काम करते हैं दोस्तों, क्योंकि वक्त कम है और वीडियो लंबा ना हो इसके लिए हम एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताते रहना हमारा काम है। ऑटो रिक्शा ज्ञान में आपको बहुत से वीडियो है, आप जो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है वो भी आप देख सकते हैं, एक अलग अलग ऑयल लेवल से लेके ऑयल डालना क्या भाई। तो फिलहाल अभी प्लग के बारे में बता रहा था, तो आप देख सकते हैं पीछे से जो प्लग है अच्छे से कैप भी बिठा लेना है, जो कॉइल है उसमें भी देखने करंट आता है कि नहीं। फिर उसके बाद आपको बैटरी के पास, आपको वायरमैन के पास जाने की ज़रूरत नहीं भाई लोग, क्योंकि गाड़ी नई हो तो वायर लूम अच्छा हो, थोड़ी कट बिट गई हो तो भी वो भी देख लेना है, क्योंकि ये बैटरी के पास के दो मेन फ्यूज है ये आप देख सकते हैं, और उसके बाद स्टेयरिंग के पास एक डिक्की है, उसके अंदर भी फ्यूज़ बॉक्स होता है। तो दोस्तों फिलहाल अभी हम सभी फ्यूज़ चेक कर रहे हैं कि गाड़ी स्टार्टिंग में जो झटके मार रही है क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि गर्मी के दिनों में अक्सर वायर लूम के थ्रू, जो बैटरी के थ्रू करंट सप्लाई होता है, और फ्यूज ख़राब हो जाते हैं, उड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत से ऑटो ड्राइवर चरम सीमा पर यानी 60-70 के आगे भी गाड़ी भगाते हैं, और वो सारी गाड़ी ओवर हीट होती है, गर्म होती है, या फिर रात के समय इंडिकेटर लाइट कुछ भी हो सकता है। गर्मी के दिनों में
वायरिंग के थ्रू जो करंट सप्लाई होता है गाड़ी के अंदर की फ्यूज उड़ जाते हैं, जल जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। तो फिलहाल अभी 25 नंबर का यानी 25 नंबर का फ्यूज है, वहाँ 30 नंबर के फ्यूज लगते हैं, पर अभी फिलहाल जो मिला अवेलेबल हम डाल देते हैं और गाड़ी का जो स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है देखते सॉल्व होता है कि नहीं, क्योंकि अंदर कचरा होता है, साफ सफाई करके और पोंछ के उसके बाद इसको फिट करना है। फिलहाल दोस्तों आप देख सकते हैं, क्योंकि ये बंदा कह रहा था कि जो बाकी के इंडिकेटर जो लाइट है वो छोटे डैशबोर्ड के वो लगते नहीं, इसलिए बाकी फ्यूज़ भी हमको अच्छे से ये 10 रुपये से 5 रुपये तक फ्यूज़ आते हैं, आप एक्स्ट्रा भी रख सकते हैं क्योंकि इमरजेंसी के टाइम में बहुत काम आते हैं, या फिर आपको एक वायर का टुकड़ा लगा के उसको जो फिट करने का तरीका तो फिलहाल अभी दिखा नहीं सकता मैं, क्योंकि वीडियो एडिट करते समय हमने वो बनाए नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल फ्यूज़ पड़े हुए, क्योंकि वायर भी उससे चल सकता है। फिलहाल देखो अभी अंदर का जो इंडिकेटर है चालू हुए कि नहीं, क्योंकि बाकी के फ्यूज़ भी चेक करे और नए डाल दिए। तो फिलहाल अभी बंदा ये जो है उसका चाबी लगा रहे गाड़ी को और इंडिकेटर जो डैशबोर्ड के पास है वो चालू हो चुका है ऑयल पंप का, बाकी देख सकते हैं न्यूट्रल का भी। आप अभी दिन का टाइम है इसलिए आपको दिख नहीं रहा है, अभी किक मार के देख रहे हैं। फिलहाल गाड़ी को जो प्रॉब्लम है प्लग का या करंट का वो भी चेक कर लेना है, क्योंकि दोस्तों यही स्टार्टिंग का प्रॉब्लम है, वो बंदा बहुत परेशान हो चुका था सुबह से, और फिलहाल हमने जो उसका काम किया है वो ज़रूर खुश होगा, क्योंकि अभी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए सब कर दिया हमने जो हमको पता है उतना, जो लोगों को बताने के लिए हम वीडियो बनाते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं जो डैशबोर्ड के अंदर के फ्यूज़ पूरे तरह होने के बाद ये बंदा भी देख सकते हैं गाड़ी स्टार्ट कर रहे और लाइट लग चुकी है, और हमारा काम है ऐसे ही आपके सामने आपके चेहरे पे जो मुस्कान आ रही है, जैसे इस बंदे पे मुस्कान आ रही है, देखो आप देख सकते हैं खुश होकर अभी जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार है और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं अनिल बागोट और मेरा दोस्त इमरान बाय।